प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से करीब 100 साल पहले बनारस से चोरी कर कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भारत वापस लाई गई। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा यात्रा आज कानपुर से उन्नाव पहुंची। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शंखनाद घटा घड़ियालों की गूंज के बीच मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। कानून मंत्री बृजेश पाठक यात्रा को लेकर उन्नाव पहुंचे। उन्नाव में कई जगह स्वागत समारोह के बाद यात्रा लखनऊ की तरफ चली गई। कानून मंत्री बृजेश पाठक की अगुवाई में मां अन्नपूर्णा प्रतिमा यात्रा दोपहर करीब 1 बजे कानपुर से गंगा बैराज से उन्नाव रास्ते सीमा में प्रवेश हुई। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आचार्यों ने शंखनाद कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। यात्रा में डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार व एसपी दिनेश त्रिपाठी के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, आज माता अन्नपूर्णा देवी का जो आप ऐतिहासिक दृश्य देख रहे हैं, ये मूर्ति बहुत ही ऐतिहासिक है। आज से 107 साल पूर्व मूर्ति चोरी हुई। प्रधानमंत्री को जब पता चला कि आज से 107 साल पूर्व यह मूर्ति चोरी करके कनाडा ले जाई गई अन्नपूर्णा देवी की है, तो उन्होंने अथक प्रयास करके इस मूर्ति को भारत वर्ष वापस लाने की कोशिश की। यह मूर्ति दिल्ली से अयोध्या होते हुए वाराणसी जा रही है। वाराणसी में इसका विधिवत पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको स्थापित करेंगे। माता अन्नपूर्णा देवी कोई साधारण मूर्ति नहीं है। माता अन्नपूर्णा देवी के बारे में माना जाता है कि यहाँ अन्नपूर्णा माता को सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आता है, कष्टों का नाश होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।